आइए दोस्तों, दिखाते हैं मशीन में एक नई कमी आ गई है। इसकी वजह से कि देखिए, दोनों धागे एक ही दम में दो दो धागे आ जा रहे हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, मतलब कि ये दो बार उठ रहा है ये वाला, बाकी सब एक बार, ये वाला दो बार उठ रहा है। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, हमने पकड़ लिया है कारण को और हमने उसको रिपेयर भी कर लिया है, बना लिया है। अब उसको आपको लगा करके चला करके दिखाते हैं। कमी ये है कि अगर ये आ जाता है तो वहाँ पे धागे मोटे लगने लगते हैं और बनारसी साड़ियों में ये सब नहीं चलता है। बनारसी साड़ी बहुत सफाई का काम है। उसको हमने पकड़ लिया है, वो कमी क्या है। अब उसको हमने देखिए घिस करके, इसका जो कुत्ता था, ये वाला कुत्ता, ये बिल्कुल घिस करके सीधा हो गया था। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये कट करके सीधा हो गया था। अब हमने ग्राइंडर से उसकी घिसाई कर ली है और उसको फिट कर दिया है। अब आपको चला करके दिखाते हैं। होता क्या है कि जब ये घिस जाता है कुत्ता, तब ये इस पे से छटक जाता है, इसको मतलब कि पकड़ नहीं बनाता है। पकड़ बनाएगा तब ना इस तरह से जो है कि पलटेगा, वो पकड़ नहीं बनाता है तो इस पे से छटक जाता है। अब इसको हम चेक करते हैं। बारे को वाह, बड़ा फिट बनल एकदम। हई वाला बोल्ट तो ऐसा आउट टाइट करा अंदर लेके, तो इधर वाला ये वाला ना तैसा और अंदर लेके, थोड़ा सा जगह छोड़ा ताकि खेल ले सके। खाली बस अंदर वाला टाइट करा, खाली अंदर वाला, अंदर वाला कर दीजिए। हाँ बताओ। ढीला करा था ऐसा, जाम बताओ था ना। हाँ ऐसा और बाहर जाए तब देखिए। हम इसको फिट कर रहे हैं कैसे, अब हिप टाइट कर रहे क्या और इन छत्तम पकड़ लेते हैं। देखा अब देखा। हाँ ठीक है ठीक है, टाइट कर दे और टाइट कर दे। बस हाँ बस कर। अब ये दोस्तों ओके हो गया है। अब हम आपको चला करके दिखाने वाले हैं। चला मुझे उतर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिट हो चुका है बिल्कुल। चेक कर लेते हैं, इतना कहीं नहीं लगे ना। इसको मिला लो भैया, ये डोरी नहीं बन रहा। इसको बांध छान के रेडी करिए तब ना चलेगा मशीन। जब रिकॉर्डिंग कर ले तब पता नहीं फोन ना जला। लाइट मोड़ करके रिकॉर्डिंग करल कर। आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता अपने ठीक पोजीशन में है, ताकि ये वाला हिस्सा इसमें कुत्ते में आकर के फंसता है, तब वो घूम जाता है, एक पटाए से घूम जाता है। जब फंस जाता है तब, जब सीधा हो जाएगा तो घूमबे नहीं करेगा, वो बाहर फेंक देगा। यही टेक्निक है इसकी। बस
अब बानो छानो और चेक करके दिखाओ। खेवा मिला के उधर वाला उठावा इसे देखा उठ जाता है, इनमें पकड़ ले था ना, उठे लिए पे खींच ले वहाँ से खींचा। हाँ तब ना पत्ता पलती सही है, सही है। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। हो गया ना, इससे होता क्या है, ये तो अभी हल्के आइटम है। अगर कहीं अच्छी क्वालिटी का आप कपड़ा चलाएंगे, साड़ी चलाएंगे, तो ये बिल्कुल एक धागा भी अगर आ जाएगा दोहरा तो नहीं चलेगा, तो समझिए साड़ी रिजेक्ट हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि बनारसी साड़ियों का काम ही ऐसा है भैया, बहुत सफाई से चलाना पड़ता है, बहुत बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है। अब ये दो धागे आ गए ना, एक कपड़े में मोटा दिखाई देता है। चलिए निकालिए उसको ननकू। एक खवाई निकाल के बस चालू करिए, बलक धागा निकाल कर बस चालू करिए, फिर हम इसको चेक करते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कमी कहाँ से, पकड़ नहीं पाते हैं कमी सब लोग। एक पूरा पूरा चलाइए, एक राउंड पूरा चलने दीजिए, फिर देखते हैं।
बारीकी की हम आपको बता देंगे, कोई बताने वाला नहीं है। और हर एक बारीकी सीख जाइए, क्योंकि अगर बनारसी साड़ियों का काम करना है, मशीन चलाना है, तो इसकी बारीकियाँ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई ऐसे फोकट में बताता नहीं है कमी कहाँ से बनता है। और मनुष्य ठीक है ना? हाँ, एकदम सही है। हाँ, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।